नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चुनावी चक्रव्यूह में हम आपको लोकसभा से जुड़ी वो खबरें बताएंगे जो आज सामने आई हैं। चुनावी माहौल है और इस माहौल में कोई करीब आ रहा है तो कोई पुराने लोगों से पीछा छुड़ा रहा है, यानी दल बदलू और रंग बदलने की राजनीति खूब हो रही है। तो चलिए बिना देर किए हुए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस अभी भी सीट शेयरिंग में फंसा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना यानी कि उद्धवपुर, वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी यानी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं मुंबई में मंगलवार को तीनों दलों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया गया है। वहीं एमबीए नेताओं के बीच मुंबई साउथ सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और सतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है। इन सीटों पर तीनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रयास लगातार जारी है, लेकिन हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि मैंने जो तड़ीपार नारा दिया था उसे पूरा करना है। प्रयास तो लगातार जारी है और मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था किसको तड़ीपार करना है तो जनता कर। वही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि हम देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि हम भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि भाजपा के एक नेता की आलोचना कर रहे हैं। मैंने सारी बातें जो मराठी में कही शायद मुश्किल होगा हिंदी में ट्रांसलेट करना, लेकिन कल मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे और कल का योग, जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी, तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। और कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नहीं था, भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है, प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो अच्छी बात नहीं है। और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश की प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे, हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे। तो कृपा कर ऐसे कभी नहीं मानना कि हमने उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की तो प्रधानमंत्री की आलोचना की, ऐसे आप नहीं मानना। अगर वो हमें हमारी आलोचना करेंगे तो हम भी उनकी आलोचना करेंगे। उन्होंने जो बात कही नकली सेना की, मैं तो कहता हूं कि अतः खंडेणी खोर वाला हिंदी शब्द का है रिश्वतखोर, नहीं रिश्वतखोर म्हणजे धन उगाही। धन उगारी पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी है। सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला, जो माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला या देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले का पर्दाफाश जब हुआ तो सब लोगों को पता चला कि कैसे इन लोगों ने, भ्रष्ट जनता पार्टी के लोगों ने डराकर धमकाकर और उनके जो एजेंसीज है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड करवाकर चंदा लिया है। मतलब चंदा दो और धंधा लो, तो ये तो अभी जो आपने क्या कहा धन उगाही जो करते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हो चुकी है। मुस्लिम लीग को लेकर बीजेपी और विपक्ष दल आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद बीजेपी ने कहा कि घोषणा पत्र देखकर पता नहीं चलता है कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि घोषणा पत्र देखकर हैरान है, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग वाली मानसिकता दिखा दी है। आखिर कांग्रेस 50% से ज्यादा का आरक्षण देने की बात किसके लिए कर रही है? पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से पर आमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ
कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और भाई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह के राजनीतिक व वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजी और मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। मोदी शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान व मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया। वही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगे लिखते हैं कि मोदी जी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालात इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। सच केवल एक है, कांग्रेस न्याय यात्रा में हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं की छाप है। हम सभी जानते हैं कि राजनीति में ना तो कोई अपना होता है और ना ही पराया, और बिहार की राजनीति से आप सभी वाकिफ हैं। जब से चाचा भतीजे अलग हुए हैं, तब से बिहार में बयानों की बाढ़ खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ नीतीश बाबू लगातार आरजेडी और विपक्षी दलों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी नीतीश बाबू को नहीं बख्श रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा के दौरान बयान दे दिया, जिसके बाद राजद नेता रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को पनाह दी जा रही है। इनके राज में भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों को पनाह दिया जा रहा। मुजफ्फरपुर पे क्यों नहीं पूछवाते हैं? बालिका गृह कांड में क्या हुआ? लालू बेटी को बीजेपी ने भी पूरी कारण में बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। किसने? बीजेपी ने भी वहाँ अपनी आपके क्षेत्र में पूरी ताकत लगाई है, क्या कहेंगे? तो वो लोग तो ताकत पे लड़ते हैं ना, हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता की प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी। वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए, ईडी सीबीआई जितना भी है प्रशासन सब उनके सपोर्ट में है। मेरे सपोर्ट में मेरी जनता है, मेरी सारण की जनता माताएं बहने। वही आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी भी कहां पीछे हटने वाले थे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 2 से 3 महीने पहले तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बगल में बिठाकर कहते थे कि इन्हीं को देखना है। नीतीश कुमार के ऊपर जब भाजपा का कब्जा हो गया है तो आपने आत्मसमर्पण कर दिया। नया आदर नीतीश कुमार जी का ये घिसा पीटा कैसेट पुराना हो चुका है। अब कल तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 2 महीना पहले तक 3 महीना पहले तक तेजस्वी यादव जी को बगल में बैठाकर क्या कहते थे, अब इन्हीं को देखना है, इन्हीं को काम करना है, अच्छा काम कर रहा है। ये लोग जो आरोप इस पर लगा रहे थे बेकार था। अब उस समय वो सही कह रहे थे कि इस समय सही कह रहे हैं। भाई, आप आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप ही ने कहा ना कि तेजस्वी यादव जी के कारण नौकरी मिल रहा है नौजवानों को। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दी, ये पच नहीं रहा था बीजेपी को। आपके ऊपर बीजेपी का कब्जा हो गया, आपने आत्मसमर्पण कर दिया बीजेपी के सामने, आदरणीय मोदी जी के सामने। तो ये तो बिहार की सम्मान को आपने एक तरह से गिरवी रख दिया। थोड़ा मरोड़ा ना जोड़ा है, सत्ता का खेला है, नीच लचारी ढकेला है, लूटा हर ठेला है, पूरा ही खेला है, सालों से झेला है, यहाँ कुछ तो है गड़बड़, यहाँ सब लगे गड़बड़। को झाड़ू ने दारू पिलाया, बंगाल का दीदी ने भत्ता बनाया, पंजे ने जनता को चूना लगाया, बिहार के लल्ला बिहार लिखाया। मिलके बैठे ना करते बात, जिसका खाते ले उसी को काट, करते राजी करके बांट, खड़ा खिलाफ जो तोड़ दे ला, वैसे एक दूजे को काट दे, पर पावर की लालच में साथ दे, शब्दों में शहर खोलते, पर करते ना जो भी ये बोलते, बैठे माहौल बिगाड़ दे, न चैन से सोने की रात दे, करोड़ों कमाए इनकी रानी ने, जनता का हित गया पानी। टेढ़ा है, मेढ़ा है,
तोड़ा मरोड़ा ना जोड़ा है, सत्ता का खेला है, निचला जारी ढकेला है, लूटा हर खेला है, पूरा ही झमेला है, सालों से झेला है, यहाँ कुछ तो है गड़बड़, यहाँ सब लगे गड़बड़। देश में लगातार चुनाव जीतने की तैयारी कर रही बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार पीएम मोदी अलग अलग राज्यों में जाकर रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैली में मौजूद रहे और वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं, सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आगे पीएम मोदी ने कहा कि गांव की हमारी 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी, ये मोदी की गारंटी है। पक्के घर, हर घर नल जैसी सुविधा हर परिवार तक पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। ड्रोन बनाएंगे और गांव की हमारी माताएं बहने ड्रोन पायलट बनेगी। गांव गांव में 3 करोड़ महिलाएं ये हमारी लखपति दीदी बनेगी और ये मोदी की गारंटी है। पक्के घर, हर घर नल से जल, ऐसी हर सुविधा तेजी से हर बहन हर परिवार तक पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। इस बीच मोदी ने विपक्ष पार्टियों पर जमकर हमला बोला। यह मोदी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के समय 14 साल में जितने पैसे गन्ना किसानों को मिले थे उससे ज्यादा पैसे योगी सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं। देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो बड़ा अभियान चल रहा है उससे भी पीलीभीत के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। कांग्रेस में भगदड़ का दौर लगातार जारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने बीजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अजब सिंह कुशवाहा का विवादों से पुराना नाता रहा है। वे जब कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर जमीन घोटाले को लेकर कई मुकदमे भी लंबित थे।
फिलहाल अजब सिंह कुशवाहा अब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बन चुके हैं और कहा जा रहा है कि पूर्व एमएलए अजब सिंह ने विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट काटने से नाराज होकर कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रही है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पत्नी प्रेमलता के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक दिन पहले ही वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था तो वही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुझे विश्वास है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता सिंह साथ ही अन्य लोगों के आने से कांग्रेस हरियाणा और देश में और मजबूत होगी। किसान और गरीब की यह लड़ाई और ज्यादा शक्तिशाली होगी। वीरेंद्र सिंह जी का किसान से गरीब से जुड़ाव ये सर्वविदित है और मेरे लिए तो ये भावनात्मक क्षण इसलिए है कि मेरा उनका खून का रिश्ता है। मुझे ये विश्वास है कि उनके प्रेमलता जी के विजेंद्र सांसद जी के और हजारों और साथियों के आने से कांग्रेस हरियाणा में भी और देश में और मजबूत होगी और किसान की गरीब की लड़ाई और ज्यादा शक्तिशाली होगी। और वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। ये कोई भी एक मर्यादित बात से नीचे कोई बात है वो प्रजातंत्र के लिए मजबूत प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है और इसीलिए मैंने ये बात कही कोई पार्टी किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाए उसको भी मर्यादित अपना व्यवहार रखना चाहिए। अपने भाषणों में सिर्फ वोट लेने के लिए कोई ऐसी बात जिससे सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात हो और उसमें तथ्य ना हो और उस भाषा के अंदर कोई ऐसा ना हो जिससे कि लगे कि इसकी भाषा में शालीनता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये मैं ये मानता हूं कि लोगों को ये मत समझो कि उनको पता नहीं, उनको सब पता है। शालीनता भाषा की भाषा के शब्दावली वो सब बहुत जरूरी है इस देश के लिए। हम प्रजातंत्र में इंग्लैंड यूके की जो पार्लियामेंट की है वो तो 600 साल हो गए उनको अभी तक परिपक्वता की जो बात है लेकिन हमारे देश में 75-76 साल में हम एक ऐसे प्रजातंत्र के रूप में उभर रहे हैं जो स्वस्थ हो लेकिन उसको जो कमजोर करने की ताकतें हैं वो चाहे धर्म के नाम से कमजोर करती हो जाति के नाम से कमजोर करती हो और चाहे धर्मांधता के नाम से करती हो ये ताकतें कभी भी प्रजातंत्र को मजबूती देने के लिए सोचने की बात है। अगर नहीं सोचेगी तो मतदाता तो सोचेगा वो तो सोच भी चुका है सोचेगा भी। वैसे तो वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के साथ 4 दशक से अधिक समय पुराने रिश्ते को तोड़कर लगभग 10 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और उनके बेटे ब्रजेंद्र के 10 मार्च को कांग्रेस में शामिल होने के बाद ऐसी अटकलें थी कि वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल होंगे और आज वही हुआ। उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लीडर सक्रियता से आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। चुनाव में 400 पार के नारे के साथ साथ भाजपा नेता जनता के बीच जाकर जीत की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपनी पार्टी की जीत को लेकर चुनावी मैदान में दम भर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव भाजपा जीतने जा रही है। जब हम 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उत्तर पश्चिमी की सीट उसमें सबसे पहली सीट होगी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हम जब 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उत्तर पश्चिम की सीट उसमें सबसे पहली सीट होगी और माननीय मोदी जी को जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे उसके बाद ये सभी कार्यकर्ता मिलकर दिल्ली की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने का भी संकल्प लेंगे। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा देश भर में 400 पार की मुहिम चला रही है। इसके साथ ही भाजपा अलग अलग प्रदेशों में कार्यकर्ताओं की संख्या को बढ़ाने पर भी पूरा फोकस कर रही है। हाल ही में भाजपा में कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी देश भर की अलग अलग लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चक्रव्यूह में बस इतना ही। कल आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।